श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहाँ किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में चलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। शंभु सुहावन पा
जस मानस जेहि बीति भय जग प्रचार जेहि हे अब सोई कहौं प्रसंग सब सुमिरि उमा ऋषिकेश।